डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेग 6.643 × 10²-23 ग्राम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 किलोग्राम इज। आपको क्या कह रहा है कि आपको एक एटम का वेट दिया है, आपको एक एटम का वेट दे दिया है, कितना, 6.643 × 10²-23 ग्राम, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, किसमें, 20 केजी में बताने, यानी कि आपको वेट तो दे दिया है। अगर आपको यहाँ पर मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट पता चल जाए, क्योंकि एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट पता चल जाए तो मोल हो जाएंगे, बात समझाई ना। तो एटॉमिक वेट को पता करने के लिए आपको ये डेटा दिया गया है। कैसे भाई, देखो आप बोलोगे कि भाई सिंस वेट ऑफ वन एटम, वन एक्स एटम इक्वल टू कितना है, 6.643 × 10²-23 ग्राम, देयरफोर वेट ऑफ वन मोल एक्स एटम। अब ये वेट ऑफ वन मोल का मतलब क्या हुआ, वन मोल एक्स एटम का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो वन मोल एक्स एटम में कितने होंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एटॉमिक वेट। अगर आप वन मोल का वेट कैलकुलेट करोगे तो एटॉमिक वेट हो जाएगा ना, कैसे, वेट बाय एटॉमिक वेट इक्वल टू मोल हो जाएगा। और मोल की वैल्यू आपने कितनी कर दी, वन, तो उस केस में यहाँ पर वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट हो जाएगा ना। तो वन मोल का वेट जो होता है वो एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट के इक्वल हो जाता है। तो अब आपने यहाँ पर वेट ऑफ वन मोल एक्स एटम को कैलकुलेट किया तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.643 × 10²-23, तो ये वन एटम का है। और वन मोल की बात करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 × 10²-23 एटम से। बोलो भाई, समझ रहे हो ना, वन मोल की बात कर रहे हैं तो वन मोल एटम कितने होंगे, 6.022 × 10²-23। अब आप यहाँ पर समझ रहे हो कि ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 40 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर एटॉमिक वेट जो आया है वो कितना आ गया, 40 आ गया। बस भाई, मॉलिकुलर वेट आपको दिया है, एटॉमिक वेट आपने पता कर लिया, तो मोल्स पता कर लो। तो मोल्स इक्वल टू है कितना, 20 केजी है, तो 20 केजी के ग्राम कितने हो जाएंगे, 20,000 ग्राम। क्यों, क्योंकि वन मोल का वेट भी कितना आएगा, 40 ग्राम, बाई कितना करोगे, 40, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि 4, 5, 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मोल्स जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 500 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आंसर जो आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा, 500 मोल्स आ जाएगा।